ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविपीडितं कल्मषापं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भुरिदा जनाः। त्याग और वैराग्य के बात चल रहा है। हम लोग देखे हैं त्याग करने के लिए भगवत कृपा से ही हम लोग त्याग कर सकते हैं। ईशोपनिषद का श्लोक उद्धृत करके हम देखे हैं कि साधक प्रार्थना कर रहे हैं हे सूर्य आप अपना दीप्ति हटा लीजिए ताकि हम परमात्मा को दर्शन कर सकें। हम देखते हैं कि जब तक ये भक्ति भावना में कहा गया है बाह्यार्थेषु विरागित्तम, ये वैराग्य का भाव अवलंबन करने के लिए भक्तगण के भीतर एक भीति का संचार हो जाता है। कारण हम लोग कुछ छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए ये जो वैराग्य का बात यहाँ पर उल्लेखित हुआ है हमें भली भांति समझना चाहिए वैराग्य हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। ये एक स्वाभाविक हमारा जीवन शैली होना चाहिए। वैराग्य का मतलब है अनासक्ति, डिटैचमेंट। वैराग्य का मतलब ये नहीं है हम सब कुछ छोड़ के कहाँ पर चले जाए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें लेकिन अनासक्त होकर करें। डिटैचमेंट, वी नो हाउ टू गेट अटैच्ड, वी डू नॉट नो हाउ टू गेट डिटैच्ड। हमारा जानकारी हाउ टू स्विच ऑन, लेकिन स्विच ऑफ करना नहीं जानते हैं, इसलिए हम जहाँ जाते हैं वहाँ फंस जाते हैं। अब ये भली बात ही समझ लीजिए, अगर हम जहाँ पर हैं वहाँ पर हम आबद्ध हो जाएंगे, एक जंजीर से बंध जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रीडम इज द कंडीशन ऑफ ग्रोथ। एक पंछी है, अगर उसको पैर में जंजीर बांध कर हम रख लें तो आसमान में उड़ नहीं पाएगा, जंजीर मुक्त होना चाहिए। वो जंजीर मुक्ति ही वैराग्य, ताकि वो आगे बढ़ सके। यह है मूल बात। अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो वैराग्य हमें आगे बढ़ने के लिए एक अनिवार्य कारण है। वैराग्य बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो कहा जाता है कोई नाव को आगे बढ़ाने के लिए नाव को गति चाहिए, दी बोट हैज़ टू बी प्रोपेल्ड। अगर नाव एक जगह में वो एंकर्ड है, नोगन बाधा आ चुकी, इट इज एंकर्ड, आगे नहीं पढ़ पाए, जितना भी आप गति पर लगाइए भटक जाएगा। तो पहले नाव को डी एंकर्ड करना पड़ेगा। जहाँ पर जब कोई भी नाव कहाँ पर रुकता है तो हम उसको पहले वहाँ से एंकर है हम उसके बांध देते हैं ताकि वो हिल ना पाए। लेकिन जब नाव आगे बढ़ने का अवसर होगा तो डी एंकर करना पड़ेगा। बिना डी एंकर, बिना नांगन उठाने से नाव एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले ये अनासक्ति का जरूरत है।
ये हमें जानना पड़ेगा, ये कोई नीतिवाचक मनोभाव नहीं है, नीतिवाचक एक्शन नहीं है, परम इतिवाचक है। विदाउट दिस वी कैन नॉट ग्रो। और इसके लिए हमारे दृढ़ मानसिकता होना चाहिए। हम जहाँ पर जाएं हम लोग काम करते रहें, लेकिन आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये बात भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तृतीय अध्याय 19वां श्लोक है, तस्मात् असक्त सततम् कार्यम कर्म समाचर असक्त याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान अपना उदाहरण अर्जुन के सामने रखते हैं। देखो मेरा जीवन देखो, मैं इतना कर्म कर रहा हूँ, चारों ओर सबके साथ रहते हैं, लेकिन हम किसी से फंसता नहीं। जैसे वायु सर्वत्र विचरण करते हैं लेकिन कहीं पर आबद्ध नहीं होता है। आबद्ध होने से ही वायु दूषित हो जाएगा। अगर कोई हवा को एक जगह में आप बंद करके रखें तो दूषित हो जाएगा। हवा को विचरण करना दीजिए, फ्रेश एयर शुड बी ऑलवेज फ्लोइंग इन एंड फ्लोइंग आउट। वैसे ही हमारे जीवन मुक्त जीवन होना चाहिए। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं, तुम कर्म करते रहो एवं आसक्त हो कि सतत कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे हो, अगर कर्म करते हुए वो आसक्त तुम्हारा दो प्रकार का आसक्ति होता है, एक कर्माशक्ति एक फलाशक्ति। कर्माशक्ति का मतलब कर्म करते हुए हम कर्म बिना रह नहीं पाएंगे, यह एक आसक्त हो गया, कर्म को छोड़ नहीं पाएंगे। अनासक्ति मतलब इच्छा अनुसार हम छोड़ सकते हैं, छोड़ने का साधीनता, ग्रहण के साधीनता, छोड़ने का साधीनता, दोनों साधीनता होना चाहिए। साधीनता ही जीवन का आगे बढ़ने का मूल सूत्र है। यू मस्ट बी फ्री, ये तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो असक्त होकर कर्म करना मतलब क्या, ये कर्म का साधीनता है। और कर्माशक्ति नहीं है मतलब कर्म बिना हम रह नहीं सकते, ऐसे नहीं है। जब कर्म जरूरत होगा किया, जब जरूरत नहीं हुआ नहीं किया। वन पर्सन डज नॉट बिकम वर्कोहोलिक, वो नशा बन जाता है। निरंतर कर्म करना पड़ता है, नहीं कर्म रहने से ही कर्म से भी कर्म करना पड़ता है। ठाकुर कहते हैं जब नौकरी जब कर्म का जरूरत होता है गृहस्थ को कर्म करते हैं, जरूरत नहीं आए तो फेंसिंग में लगा देंगे, बेड़ा बांध के कर्म बिना रह नहीं पाएंगे। ये कर्माशक्ति हुआ, आसक्ति होने से ही बंधन होगा। और दूसरा है फलाशक्ति, अर्थात कर्म करने से फल होगा, मैं वो फल भोग करूँगा। नथिंग डूइंग, कर्म का जो फल होगा होगा, जो फल चाहते हैं उसके ऊपर जाए। हम तो फल नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, मुक्ति, हम ईश्वर को चाहते हैं। कर्म फल नहीं चाहते, न कि कर्म करना चाहते, न कर्म करना चाहते न कर्म छोड़ना चाहते, फ्री है। इसी तरह चिंतन करने से अगर हम अनासक्त होकर कर्म कर सकते हैं, कर्म करने में आपत्ति नहीं है। कर्म में से वैराग्य मतलब कर्म छोड़ना नहीं, कर्म में आसक्ति छोड़ना, ये हमारा समझने का बात है। जब संसार छोड़ने के बात होता है सब आदमी भयभीत हो जाते हैं, अरे संसार छोड़ के कहाँ जाए। संसार छोड़ने के बाद कभी कहीं पर नहीं किया गया, संसार से आसक्ति छोड़ना है, संसार नहीं छोड़ना है।
संसार छोड़ के कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे और एक संसार बना लेंगे। लेकिन जहाँ जाएंगे अगर चिपक जाने का वो आदत है, संसार में भी आसक्त हो जाएगा, वन में भी जाने से आसक्त हो जाएगा, और आसक्ति होने से आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। अगर गैस बैलून को नीचे आप एक जंजीर से कोई ईटा पत्थर से बांध के रखें और उड़ नहीं सकेगा, बैलून तो उड़ जाएगा गैस बैलून, लेकिन वो जंजीर हटाना पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कोई रोकना नहीं चाहिए। अगर रोक देगा रस्सी से बांध के रख देगा तो नहीं जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अनासक्त होके रहो। ये जो श्लोक में बताया तस्मात अतीब, क्योंकि मेरा जो जीवन का दृष्टांत तुम देखो, अर्जुन को कह रहे हैं मैं कितना कर्म कर रहा हूँ, निरंतर कर्म कर रहा हूँ, लेकिन इसे वायु सब समय इधर उधर भगता है, उसका कोई आसक्ति नहीं है, वैसे ही मेरा जीवन सबके साथ है, सबको मैं प्यार करता हूँ, लेकिन किसी को साथ आसक्ति नहीं है कि उसमें नहीं रहेगा। तो अभी यहाँ पर बताएं आसक्ति ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अगर ये असक्त निरासक्त होकर कर्म कर सकते हो तो परम पुरुष को प्राप्त हो जाओगे, और क्या। व्हाट इज स्टॉपिंग अस फॉर रियलाइजेशन ऑफ गॉड, ये आसक्ति। आसक्ति के कारण हम जिसके प्रति आसक्ति हो उसको छोड़ के नहीं जा सकते, वी हैव टू बाउंड टाइड डाउन। इसीलिए जब भगवान को बुलावा आएगा हम जा नहीं सकेंगे, क्योंकि आई एम टाइड डाउन। कोई भी आसक्ति रहेगा वो हमको बंधन में फंसा देगा। इसीलिए यहाँ पर उल्लेख किया है कि अनासक्त होके कर्म करो, और परमाप्नोति पुरुष, परम पुरुष को प्राप्त करोगे। जो जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति में कोई असुविधा नहीं है। जो कर्म तुमको दिया गया है कर्म करते रहो, लेकिन अनासक्त होके। कर्म में तुम्हारा कोई ना चाह है, ना इच्छा है, ना अनिच्छा है, एज ए रूटीन, एज ए कर्तव्य, डू योर वर्क विदाउट गेटिंग अटैच्ड। तो डिटैचमेंट इज दी मेन आइडिया टू बी इम्बाइब्ड, इसको वैराग्य कहलाता है, टू गेट डिटैच्ड। और जब हम समझेंगे कि ये जो अनासक्त होकर रहना वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, तब हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए वैराग्य अवलंबन करेंगे, और नहीं तो रोते हुए वैराग्य अवलंबन करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद उतना नहीं होगा। हम तो वैराग्य अवलंबन करते हैं लेकिन रोते हुए, मजबूर होके, ऐसे नहीं है, स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए। गुरु बोला है इसको छोड़ना है, छोड़ेंगे, ऐसे नहीं है। जब अपने मन से हम ये छोड़ने के लिए दृढ़ विश्वास हो जाते हैं, ये हमारे कल्याण के लिए ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो हम खुशी खुशी से करेंगे, रोते हुए क्यों करेंगे, ये तो हमारा लिए फ़ायदेमंद है। भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए तो फ़ायदेमंद है, तो सततम करो, तुम करो, ऐसी करके तुम्हारा कल्याण होगा, ये वो परम पुरुष को प्राप्त करोगे। कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर बता दिया। फिर आगे भी भगवान बताएंगे कि हमारे जीवन में वैराग्य का इतना ज़रूरत क्यों, वो भी भगवान आगे कोई श्लोक में बताएंगे, उसका चर्चा भी हम करेंगे। अर्थात ये जो वैराग्य का भाव अवलंबन करना चाहिए, ये हमारे जीवन में परम फायदेमंद है, आगे बढ़ने का एक मूल सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लाइफ इज टू गेट डिटैच्ड। ये हमारे जीवन का आगे बढ़ने का रहस्य है। अगर खुशी खुशी से ये रहस्य हम अपनाएं
तब हमारा जीवन सहज होता है और आगे बढ़ना बहुत आनंदप्रद होता है। लाइफ इज बी शुड बी कंटिन्यूअस जॉय इन द जर्नी। हमारे आगे बढ़ने के लिए आनंद से मुस्कुराते हुए हंसते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये जानते हुए जो मैं जो कर रहा हूँ वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और सबके लिए कल्याणप्रद होगा। नॉट ओनली फॉर मी, आई एम नॉट बिकमिंग सेल्फिश, आई एम बिकमिंग अनसेल्फिश, आई एम गेटिंग अटैच्ड टू गॉड ओनली एंड डिटैच्ड विद द एनवायरनमेंट। दोनों साथ एक साथ नहीं होगा। तो नाव को आगे बढ़ने के लिए डियांकर करना पड़ेगा, वैसे ही हमारे जीवन को जो अनासक्त होना जरूरी, आगे बढ़ने के लिए जरूरी। इस प्रसंग को हम फिर भी आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।